गुड मॉर्निंग क्लास माई सेल्फ प्रेरणा निषाद योर साइंस टीचर दिस इज़ योर कवर पेज ऑफ योर बुक नाउ वी स्टार्ट चैप्टर सेकेंड विच इज़ अडेप्टशन इन प्लांट्स एंड द टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स मतलब अलग अलग प्लांट्स के डिफरेंट काइंड्स को हमें पढ़ना है प्लांट्स आर फाउंड एकरॉस द वर्ल्ड जो प्लांट्स होते हैं हमें वो पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे सम plants कैन सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट्स whereas some other कैन सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हॉट डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं उसी जगह सम अदर कैन सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं सम प्लांट्स क्लाइम विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट वाइल सम अदर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड प्लाट्स आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सपोर्ट चाहिए होता है तभी वो ऊपर चढ़ सकते हैं जिन्हें लतर कहा जाता है उसी जगह कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पे फैलते हैं प्लांट्स आर फाउंड बोथ ऑन लैंड्स एंड इन वाटर प्लांट्स को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं पहले तो ज़मीन पे तो हम पाते ही हैं कि प्लांट्स हैं लेकिन उसी जगह कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में भी होते हैं एज इन्वामेंट डिफरेंट एट डिफरेंट रीजन प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर फीचर्स प्लान्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू अडेप्टैमसेल्फ टू द सराउंडिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज अडेप्टन दिस अडेप्टन मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव एट अ डिफरेंट प्लेस अलग अलग इन्वामेंट में अलग अलग रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अलग अलग फीचर्स के साथ डिफर करते हैं प्लाट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू अडेप्टेम सेल्फ टू द सराउंडिंग जो प्लांट्स हैं उन्हें डेवलप होने के लिए जब हम किसी और सराउंडिंग से ला उनको रखते हैं तो वो अगर जो अडेप्टेसन होता है उनका एक स्पेशल फ़ीचर की वजह से होता है इसी को हमने अडेप्टेसन नाम दिया है दिस अडेप्टन मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट्स टू ये जो अडेप्टन होता है ये प्लांट्स को सर्वाइव करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जैसे कि अगर हम कोल्ड क्लाइमेट के प्लांट्स को ला के हॉट डेजर्ट में रखेंगे तो उन्हें सर्वाइव करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसी जगह अगर हम हॉट डेजर्ट वाले प्लांट्स को ला के कोल्ड क्लाइमेट में रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लेट अस स्टडी अबाउट द हैबिट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्लांट्स के अलग अलग हैबिट्स की द प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड सेकेंड वन इज एक्टिक प्लांट्स इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड सेकेंड इज एक्वेटिक प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्लाट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरस्ट्रियल प्लान जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो होते हैं उन्हें टेरस्ट्रियल प्लाट्स कहा जाता है कैटेगराइजेशन ऑफ प्लान डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल इसका कैटेगराइजेशन जो है प्लांट्स का प्लांट्स का वो सॉइल पर डिपेंड करता है क्लाइमेट पर डिपेंड करता है दीज प्लांट्स आर डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग सब ग्रुप्स ये जो प्लांट्स का डिवाइडेशन हुआ है इनका एक सब ग्रुप है जैसे कि पहला आता है कॉनीफेरस ट्रीज कॉनीफेरस ट्रीज क्या होते हैं प्लांट्स लाइक पाइन स्प्रॉस फर एंड चेदार आर एग्जाम्पल ऑफ कॉनीफेरस प्लांट्स जो प्लांट्स नुकीले होते हैं स्प्रॉस कांटेदार होते हैं फर होता है जिनमें और चेदार मतलब नोक टाइप की निकली होती है आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनीफेरस प्लांट्स उन्हें हम कॉनीफेरस प्लांट्स कहते हैं दीज प्लान्टो ग्रो इन कोल्ड एंड हिली प्लेसिस ये प्लांट्स जो होते हैं वो ठंडी जगहों पर और हिल प्लेस पे पहाड़ों पर पाए जाते हैं देयर लीव्स आर स्मॉल एंड आर कॉल्ड नेडल्स इनकी इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं और उन्हें निडल्स कहा गया है दे हैव फेवर्स टोमेटा द नेडल्स आर कोटेड विद वैक्स विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इनकी जो निडल्स होती हैं मतलब जो लीव्स होती हैं वो कोटेड होती हैं जिसकी वजह से ये कम पानी लॉस करती हैं दे आर सोक्ड इन रेजेंस विच हेल्प द नीडल्स विद स्टैंड फ्रीजिंग दिस ट्रीज हैव ऑफ फ्लावर्स इन के इन ट्रीज में कॉर्ंस होती हैं फ्लावर्स की जगह कोर्न्स निकलती हैं दे आर कॉनिकल्स स्लिम एंड स्लैंटी शेप्स मेक स्नो स्लाइड ऑफ ईजीली जो इनकी कॉनिकल्स uh, शेप uh, की जो स्लिम स्लैंटी स्लैंटी मतलब होता है तिरछा नीचे की ओर जो नीचे की ओर फ्लो करता है ऐसे इनके शेप्स होते हैं जिसकी वजह से इन पर स्नो रुक नहीं पाती और स्लाइड करती है ईजिली स्लाइड कर सकती है अगर ये ऊपर की तरफ होंगी तो वो बर्फ को अपनी ओर अपने पेड़ पे इकट्ठा कर लेंगी जिसकी वजह से आपके छोटे प्लांट्स टूट भी सकते हैं और उन्हें नुकसान हो सकता है इसीलिए इनका शेप ऐसा होता है जो स्लैंटी होता है ताकि ये अगर इनके ऊपर बर्फ गिरे तो वो स्लिप um, हो के नीचे आ सके दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर थैंक यू बच्चों